ये लल्ला और लल्लेश्वरी के नाम से भी जानी जाती है ये फोर्टीन सेंचुरी की एक मिस्टिक पोएट थी और एक स्पिरिचुअल फिगर है कश्मीर में यानी कि इनकी पोइट्री और इनके लिटरेरी वर्क्स ऐसे होते थे जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए होते थे एक स्पिरिचुअल फोकस के होते थे शी इज रेवर्ड इन कश्मीरी शैवेद ट्रेडिशन बाहर पोएट्री शैवेद ट्रेडिशन आपका बेसिकली वो ट्रेडिशन होता है जिसमें शिवा को सुप्रीम रियलिटी माना जाता है लॉर्ड शिवा को पूजा जाता है पूरे जान से और इसी वजह से इनके वर्क में भी ऐसी थीम्स होती हैं, जो डिवोशन इनका डिवोशन जो लॉर्ड शिवा की तरफ है उसको डिपेक्ट करती हैं, एक स्पिरिचुअल थीम होती है इनकी पोएट्री में लाल डेट्स वो रिटन इन दश्मीरी लैंग्वेज कश्मीर लैंग्वेज में लिखती हैं इनके जो वो लिटरे बहुत ही काम सिंपल वर्ड्स में कॉम्प्लेक्स आइडियाज को डिपेक्ट करते हैं और इसीलिए कश्मीरी लिटरेचर में एक बहुत ही रिकॉग्नाइज फिगर है तो लेटेस्ट बिगिन विद हम लाइन बाय लाइन को समझेंगे तो फर्स्ट लाइन है आई लल्ला सेट आउट टू ब्लूम लाइक अ कॉटन फ्लावर तो बेसिकली हमारी जो पोएट है वो अपना नाम लेके शुरू करती है अपने बारे में बात करती है कि उनका नाम लाल है लल्ला को जो जाने जाती है लल्ला के नाम से भी तो कहती है कि मैंने अपनी जर्नी शुरू करी है एक कॉटन फ्लावर की तरह एक ऐसा फ्लावर जो ब्लॉसम करना चाहता है जो खिलना चाहता है और इसीलिए मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रही हूँ। The cleaner tore me, the carder shredded me on his bow। लाल देख लल्ला अपने आप को कंपेयर करती है एक रॉ कॉटन से, एक ऐसी कॉटन जिसको अभी प्रोसेस होने की नीड है, यानी कि इसको भी मशीन्स में या बाय ह्यूमंस इस कॉटन को भी प्रोसेस होने की और आ, एक बेटरमेंट की नीड है एक क्लीनर स्टेज की नीड है दैट गोसामर दैट वॉज आई द स्पिनिंग वुमन लिफ्टेड फ्रॉम हर व्हील अब यहाँ पे ना जो हमारे पोएट हैं वो अपने आप को कंपेयर करती हैं उस लेडी से उस वुमेन से जो स्पिनिंग कर रही है कॉटन की जो उसको उसकी डेलिकेट थ्रेड्स बना रही है कॉटन से अब इस कंपैरिजन का क्या सिग्निफिकेंस है इस कंपैरिजन से हम देख सकते हैं कि हमारी जो पोएट हैं उनका स्पिरिचुअल स्टेट कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है इट मींस दैट इट शोज द कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग नेचर ऑफ हर स्पिरिचुअलिटी एट द वीवर्स दे हंग मी आउट ऑन द लूम अब लाल डेट अपने आप को ऐसी विमेन की तरह बताती हैं एक ऐसा कंपैरिजन ड्रॉ करती हैं कि जैसे उनको एक फैब्रिक ऑफ एग्जिस्टेंस में वीव किया जा रहा है इट मींस उनको इस दुनिया में इस दुनिया की जितनी भी चीजें हैं जितनी भी एलिमेंट्स हैं हर चीज से उनका इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है उनको ऐसा फीलिंग होता है जैसे शी शी इज बीइंग वूवन इनटू द फैब्रिक ऑफ एग्जिस्टेंस दिस इज सजेस्टिंग अ डीपर कनेक्शन विद द यूनिवर्स ओके कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक पर्सन जो अपने आप को ब्लूम करवाना चाहता है अपने आप को एक ब्लॉसम स्टेज में देखना चाहता है उसको पहले कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इस एग्जिस्टेंस में अपनी एक जगह बनानी पड़ती है इस वर्ल्ड में अपनी एक जगह बनानी पड़ती है फर्स्ट द वॉशरमैन फाउंडेड मी ऑन हिज वॉशिंग स्टोन मी विद क्ले एंड सोप अब लालटेड बताती है कि अब जब मुझे इस एग्जिस्टेंस के फैब्रिक में वीव कर दिया गया है तो अब मुझे प्योरिफाई करने की और क्लीन करने की नीड है यानी कि ये दिखाती है कि वॉशरमैन अब मुझे धो रहा है यानी कि इन शॉर्ट ये एक तरीके का कंपैरिजन है ये कोई लिटरल नहीं यूज की गई है लिटरल सेंटेंस नहीं है, एक तरीके का सिंबॉलिक सेंटेंस है है जो दिखाता है कि अब उनको सिम्बॉलिक्यूरिफाई किया जा रहा है इनको हर चीज से जिससे ये गुजर के आई है उससे क्लींस किया जा रहा है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड फॉर अ मोर डीपर

इतने सब चीजों के से गुजरने के बाद अब ये रेडी हैं इन्होंने जो स्पिरिचुअल है जो स्पिरिचुअल है उसको अचीव कर लिया है और एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि इनको रोड टू हेवन मिल गया है जन्नत तक जाने वाला रास्ता मिल गया है इट मींस इनको गॉड से एक कनेक्शन ऐसा इनका बन गया है जो उनको जन्नत का एहसास करवा रहा है सो दैट इज एंड ऑफ आवर वीडियो थैंक यू फॉर वाचिंग डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर कंटेंट